हेलो एवरीबॉडी, मैं आपकी अपनी पीडियाट्रिशियन डॉक्टर प्रभजीत, वर्किंग एज अ सीनियर कंसल्टेंट एंड इंटेंसिविस्ट एट हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़। तो आज हम बात करेंगे आई केयर कैसे करना है बच्चों की। आंखों के लिए कुछ स्पेशल ध्यान रखना है, कोई दवाई डालनी है, धोना कैसे है, क्या चीज़ नहीं करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूबॉर्न की आई केयर में हम आज बात करेंगे कि क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। जब भी आप मसाज कर रहे हैं तो मेक श्योर आप आँख के ऊपर बहुत ज़ोर से दबाव नहीं देंगे, आँख के अंदर ऑयल नहीं जाने देना है। जब आप बच्चे को बेद कर रहे हैं तो आपने आँखों के ऊपर पानी नहीं गिरने देना। तो जब हम हेड बाथ देते हैं बच्चे को, सिर नहलाते हैं, तो पीछे की तरफ, जिसको हम सलून बाथ भी कहते हैं, तो वैसे आपको बच्चे को सिर नहलाना है। फेस के ऊपर यूजुअली हम एक गीले हाथ से, हल्के हाथ से उसको क्लीन कर देंगे, क्योंकि आँखों में कुछ भी नहीं डालना है। अगर आपके बच्चे को आँख चिपक रही है या आँख में से पानी आ रहा है तो गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर। बट घर में आप उसकी केयर कैसे करेंगे, कुछ रुई के बुड़े अपने गर्म पतीले में उबाल लीजिए, उस पानी को 10 से 15 मिनट उबलने दीजिए और फिर ढक के रख लीजिए। साबुन से अच्छे से हाथ धोकर उसमें से एक स्वैब निकालें, स्क्वीज इट आउटसाइड और क्लीन द आई फ्रॉम इनसाइड आउट, मतलब नाक की तरफ से जाते हुए कान की तरफ जाना है। इस तरह से आपको आई को क्लीन करना है। दूसरे हाथ से दूसरा एक और कॉटन स्वैब निकालेंगे और दूसरी आँख साफ कर देंगे। मेक श्योर इस कॉटन के बॉल को बार बार रब नहीं करना है, एक को एक ही बार में स्वाइप करना है। ऐसा क्लीन करने के बाद अगर आपके डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्रिप्शन या अगर कोई आई ड्रॉप्स दी हैं तो वो डाल सकते हैं, इन केस आपकी आँखों में डिस्चार्ज आ रहा है या फिर वो चिपक रही हैं। There is another entity which is very common in newborn is nasolacrimal duct blockage. तो अगर आपके बच्चे की आँख में से पानी हर वक्त रहता है और बीच बीच में वो गीली, हमेशा ही गीली रहती है आँख, गो एंड सी योर डॉक्टर, जो आपको बताएंगे। आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिल सकते हैं, आप अपने किसी आई स्पेशलिस्ट को भी दिखा सकते हैं, उसमें दे विल गाइड यू कि एक पर्टिकुलर मसाज का एक तरीका है जिसमें हम बच्चे की नेजोलेक्राइमल डक्ट को ओपन करने में हेल्प कर सकते हैं। So for that you need to see your doctor. I hope अगर eyes के related कोई भी अगर query है तो आप हमें नीचे दिए हुए number पर call कर सकते हैं या हमसे appointment लेके मिल सकते हैं। Thank you. Thanks for listening.